हिंगना तहसील के सात गांव के विस्थापितों ने अपने घरों में रहने के अधिकार के लिए यह पदयात्रा निकाली और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस विस्थापितों का पालकत्व स्वीकार कर लोगों को रहने का अधिकार दिया जाए ऐसी मांग करते हुए विस्थापितों ने पदयात्रा निकाली। नागपुर जिले के हिंगना तहसील अंतर्गत आने वाले सात गांव वेना स्थित सरकारी जमीन पर आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण कुछ लोग यहां अतिक्रमण कर अपना घर बसाकर बीते 10 से 15 सालों से रह रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी जमीन को खाली करने के आदेश ग्राम पंचायत को दिए गए, जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा इस जमीन को खाली किया गया और यहां बसे कई परिवार रास्ते पर आ गए हैं। अब उनके सामने ये बड़ा सवाल है, परिवार के साथ जाएं तो जाए कहां? बीते कई दिनों से ये बेघर हुए पीड़ित पुनर्वसन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके चलते आज युवा परिवर्तन की आवाज के निहाल पांडे के नेतृत्व में सत्याग्रह से संविधान तक पदयात्रा निकालकर पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस विस्थापितों का पालकत्व स्वीकार करें ऐसी मांग की गई। नागपुर जिले के हिंगना तहसील के अंतर्गत सातगांव वेना ग्राम पंचायत के ये रहवासी है। 10 से 15 सालों से ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके रह रहे थे। इनकी आर्थिक दृष्टि कमजोर है ये लोग, इसलिए सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके रह रहे थे। हाईकोर्ट का रिजल्ट लगा और इनका अतिक्रमण खाली करने का आदेश ग्राम पंचायत को दिया गया, जिससे दिनांक 24 तारीख को इनके घर टूट गए और आज ये लोग बेघर हो गए। ये लोग रस्ते पे आ गए तो पूरे परिवार के साथ ये रहेंगे कहाँ, ये इनके सामने प्रश्न उपस्थित हो गया है। इसलिए नागपुर के पालक मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे न्याय मांगने के लिए ये सैकड़ों लोग कल से संविधान चौक पे ठिया आंदोलन कर रहे हैं और आज सत्याग्रह से संविधान तक हम पदयात्रा निकाल रहे हैं कि देश में सत्याग्रह को जगह है क्या, और संविधानिक मूलभूत अधिकार का जो इनका हनन हुआ तो पालक मंत्री इनको पर्याय जगह देंगे क्या, पुनर्वसन करेंगे क्या, ये न्याय मांगने के लिए हम पालक मंत्री को न्याय मांगने के लिए नागपुर में आए हैं। और जब तक हमको न्याय मिलेगा नहीं हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और अगर ये लोगों को रहने का इनके हक का घर मिला नहीं तो हम पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के घर पे जाके हम रहेंगे। ये लोगों के पास अभी रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, इसके कारण ये संविधान चौक पे रह रहे हैं। कल पानी भी आया तो भी इन्होंने पाल के वहाँ पे घर बनाए हैं और वहीं पे ये लोग रह रहे हैं और खाना भी वहीं बना रहे। आज इनकी जिंदगी रस्ते पे आ गई है। 2022 तक हर गरीब को घर देने का आश्वासन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने बोले थे, पर आज 2023 शुरू है, गरीबों को घर तो मिला नहीं और गरीब रस्ते पे आ गया है, तो कहीं तो भी सरकार ने इस पे ध्यान देने को ना। कल नागपुर में अमित शाह जी भी आ रहे हैं शायद, तो उन्होंने भी इस समस्या के ऊपर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। निहाल पांडे, युवा परिवर्तन की आवाज, सामाजिक संगठना संस्थापक अध्यक्ष वर्धा। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद कई परिवार बेघर हुए हैं। ऐसे में नागपुर शहर के मौसम का मिजाज को देखते हुए दिन में तेज धूप और शाम होते होते बारिश शुरू होती है। ऐसे में बेघर परिवारों को घर का सहारा मिलेगा या नहीं? कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।